आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पे एक नया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिए हुए हैं। आइए देखते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस प्रकार से और कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यह न्यूमेरिकल भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे मेथड का यूज़ होगा। तो हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करके इसको हम लोगों को क्या करना होगा, बनाना होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेश एनालिसिस का यूज़ करेंगे और सोर्स कन्वर्जन मेथड का यूज़ करेंगे। तो आप लोग क्या करें, मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, डीसी नेटवर्क पर जो प्लेलिस्ट है उसमें सोर्स कन्वर्जन मेथड और मेश एनालिसिस मेथड का यूज़ देखें और एप्लीकेशन देखें और उस थ्योरम को समझें। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतना बेसिक कॉन्सेप्ट गेन हो चुका होगा कि आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट या इलेक्ट्रिकल सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस ब्रांच पर ना कोई वोल्टेज सोर्स है, ना कोई करंट सोर्स है, का ना कोई रेजिस्टिव एलिमेंट है। तो जब इस ब्रांच पर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को दोनों को मिलाकर एक नया पॉइंट बना लेंगे। तो देखते हैं हम लोगों के सर्किट में किस प्रकार से चेंज होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ ए और यहाँ पर नाम लिख देता हूँ बी। तो जो ए और बी ब्रांच पर ना किसी प्रकार का कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, जो पॉइंट ए है वही पॉइंट क्या होगा, पॉइंट बी होगा। जब पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों एक ही हैं तो दोनों को मिलाकर हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट बना लेंगे। और देखते हैं सर्किट में किस प्रकार से चेंज आता है जब पॉइंट ए और पॉइंट बी को एक साथ मिलाएंगे। तब ये ड्रॉ करते हैं सर्किट को। सबसे पहले ऊपर वाले ब्रांच को बना लेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं जुड़े हुए हैं। और फिर क्या करेंगे, फिर नीचे वाले ब्रांच को भी बना लेंगे जिसमें भी कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, 6 ओम को बनाएंगे और उसके बाद 8 एम्पियर करंट सोर्स को बना लिए। अब क्या करेंगे कि जो ए पॉइंट है वही ही क्या है, बी पॉइंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो 7 एम्पियर का करंट सोर्स है वो किस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा, वो पॉइंट ए पर आकर कनेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट ए पर हो जाएगा। और जो 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, कहाँ पर आके कनेक्ट हो जाएगा, पॉइंट ए पर ही कनेक्ट हो जाएगा। तो जब ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों ही क्या है, सेम है, तो दोनों मिलकर एक नया पॉइंट बना लिए जिसको हम लोग ए बी पॉइंट नाम दे देते हैं। तो सर्किट इस प्रकार से हो जाएगा। बाकी एलिमेंट को एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ से एक और ब्रांच निकलेगा जिस पर कि क्या होगा, 12 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस प्रकार से सर्किट में चेंज आ गया। अभी हम लोगों ने क्या किया कि सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम लोग देखते हैं हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था। फाइंड द पावर एब्जॉर्ब्ड बाई ईच एलिमेंट इन द शोन इन फिगर। तो हम लोगों को क्या करना है, सभी ब्रांच पर पावर निकालना है। तो सभी ब्रांच पर पावर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सभी ब्रांच पर करंट कैलकुलेट करना होगा। और करंट कैलकुलेट करके पावर निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आई स्क्वेयर आर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सभी ब्रांच पर करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही करंट का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद हम लोग सभी ब्रांच पर पावर कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले जो सेकंड सर्किट है उसमें
सोर्स कन्वर्जन मेथड का यूज़ करके जो करंट सोर्स है उनको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, मेश एनालिसिस लगाएंगे। उस मेश एनालिसिस के द्वारा करंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर पावर कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे सोर्स कन्वर्जन मेथड में क्या होता है। जब कभी भी कोई करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हो, तो यहाँ पर हम लोग करंट सोर्स के वैल्यू को कितने ले लिए, आई ले लिए, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा है उसको क्या ले लिए, आर ले लिए। तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे, तो सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लग जाएगा आर, और ये जो करंट सोर्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टेज में। तो इस वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, आई इन टू आर। अब हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज के पोलैरिटी को डिसाइड करेंगे। तो वोल्टेज का पोलैरिटी इस करंट के डायरेक्शन से डिसाइड होगा। जब भी करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा तो पोलैरिटी हमेशा, या पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हमेशा ऊपर प्लेट बनेगा। अगर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वह कहाँ की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे इस सर्किट में, यहाँ पर हम लोग सोर्स कन्वर्जन मेथड का यूज़ कर लेते हैं और सर्किट में देखेंगे किस प्रकार से चेंज आता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ब्रांच को हम लोग वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे। तो सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लग जाएगा जिसका वैल्यू कितना होगा, 6 ओम होगा। अब यहाँ पर देखिए करंट का डायरेक्शन कैसे है, नीचे की तरफ, तो नीचे वाला हम लोगों का वोल्टेज का पोलैरिटी प्लस होगा और ऊपर वाला क्या होगा, माइनस होगा। अब इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 6 7 जा कितना होता है, 42। तो यहाँ पर हम लोग किस करंट सोर्स को किस में चेंज कर लिए, वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लिए। अब हम लोग नीचे वाले ब्रांच को किस में चेंज करेंगे, वोल्टेज सोर्स में। तो सबसे पहले क्या लग जाएगा, सीरीज़ में रेजिस्टेंस लग जाएगा जिसका वैल्यू कितना, 4 ओम ही रहेगा। अब 4 ओम के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा कितना होगा, 32। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि करंट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाला जो टर्मिनल है पॉजिटिव होगा और नीचे वाला टर्मिनल निगेटिव होगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 वोल्ट। तो अब हम लोग क्या किए कि दोनों सोर्स को क्या किए हैं, किस में चेंज कर लिए, वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लिए। अब बाकी सर्किट को पूरा वैसा का वैसा ही कनेक्टेड रहने देते हैं, तो उसको वैसी एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लिए बाकी सर्किट को पूरा वैसे का वैसा ही। तो इसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, 12 ओम लिख लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सभी जगह ब्रांच करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर पावर कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले मेश में मैं कितना ले लेता हूँ, करंट I1 जिसका डायरेक्शन क्या ले लिए, क्लॉकवाइज, और दूसरे मेश में कितना करंट ले लिए, I2 जिसका डायरेक्शन मैं क्या ले लेता हूँ, क्लॉकवाइज ले लेता हूँ। अब हर एक मेश के लिए क्या करेंगे, हम लोग मेश एनालिसिस करेंगे। तो पहले मेश के लिए इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन फॉर मेश 1। तो पहले मेश में हम लोग देखेंगे यह जो I1 करंट है कौन कौन से रेजिस्टेंस से होके जा रहा है, 12 ओम और 6 ओम। तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 18 I1। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जो पहले मेश है उसके लिए I2 करंट कौन से रेजिस्टेंस से होके जा रहा है, इस 12 ओम से होके जा रहा है खाली। तो लिख लेंगे -12 × I2, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे यह I1 करंट वाले लूप में या मेश करंट वाले लूप में एक ही वोल्टेज सोर्स है, इसमें करंट कैसे जा रहा है, प्लस से माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -42। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे,
मेश टू के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन फॉर मेश टू। तो अब दूसरे लूप के लिए लिखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे कि आई टू करेंट कौन कौन से रेजिस्टेंस से होके जा रहा है, तो 12 ओम और 4 ओम, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 आई टू। अब ध्यान से देखेंगे कि जो दूसरे मेश के लिए आई वन करेंट कौन से रेजिस्टेंस से बस होके जा रहा है, 12 ओम से बस होके जा रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 12 आई वन। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे दूसरे मेश पर कितने वोल्टेज सोर्स हैं, एक ही वोल्टेज सोर्स है, इसमें आई टू कैसे जा रहा है माइनस से प्लस की ओर, तो यहाँ पर 32 लिख लेंगे। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से या सिंपल कैलकुलेशन की मेथड से आई वन और आई टू के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कितना वैल्यू आता है। तो हम लोगों को आई वन का वैल्यू मिला माइनस 2 एम्पियर और आई टू का वैल्यू मिला 1/2 एम्पियर। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक ब्रांच पर अलग अलग पावर का कैलकुलेशन कर लेंगे आई वन और आई टू के हेल्प से। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 6 ओम ब्रांच पर पावर कैलकुलेट करेंगे। तो लिख लेते हैं P6 इज इक्वल टू, तो हम लोगों को क्या करना होगा पावर का कैलकुलेशन करने के लिए आई स्क्वायर आर करना होगा। तो हम लोगों को 6 ओम पर करंट देखना होगा, 6 ओम पर कौन सा करंट जा रहा है, आई वन जा रहा है, तो आई के जगह कितना लिख लेंगे आई वन का स्क्वायर और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 6, तो आई वन का वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 24 वॉट। अभी हम लोगों ने क्या किया, 6 ओम ब्रांच पर पावर कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 ओम ब्रांच पर पावर कैलकुलेट करेंगे। तो लिख लेंगे P4 इज इक्वल टू, पावर के लिए क्या करना होगा आई स्क्वेयर आर। तो ध्यान से देखेंगे इस 4 ओम पर कौन सा करंट जा रहा है, आई टू होके जा रहा है, तो क्या लिख लेंगे आई टू का स्क्वायर और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब आई टू के वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू 4, तो यहाँ पर हम लोगों को पावर मिल जाएगा 1 वाट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 12 ओम रेजिस्टेंस पर पावर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं P12। तो सबसे पहले करंट डिसाइड करेंगे, यह 12 ओम रेजिस्टेंस मेश 1 और मेश 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आई वन करेंट का डायरेक्शन ऐसे है और आई टू करेंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आई वन माइनस आई टू का स्क्वायर, क्योंकि करंट का क्या करना होता है स्क्वायर और रेजिस्टेंस की जगह क्या लिख लेंगे 12। अब आई वन और आई टू के वैल्यू को पुट कर लेते हैं और देखते हैं पावर कितना आता है, तो आई वन के वैल्यू को पुट करेंगे माइनस 2 और आई टू के वैल्यू को पुट करेंगे माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू 12, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो पावर हम लोगों को कितना मिलेगा, तो पावर का वैल्यू हम लोगों को मिला 75 वाट। तो हम लोगों ने दिए हुए क्वेश्चन को, टास्क को कंप्लीट किया। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने क्या सीखा कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पर कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे सोर्स कन्वर्जन, मेश एनालिसिस का यूज़ करके सभी ब्रांच पर पावर कैलकुलेशन सीखा। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद आप लोग कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पर क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके पावर कैलकुलेशन, वोल्टेज कैलकुलेशन, करंट कैलकुलेशन कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।
अगर आपको यह क्वेश्चन बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।